नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज, जनता की आवाज। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय की अनोखी पहल। अपने विधानसभा में हर दिन लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगाने कर रहे प्रेरित। जन जागरण माध्यम से टीका लगाने के फायदे भी नुक्कड़ सभा में बता रहे। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा अपने क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन लगाने घूम घूम कर रहे जागरूक। वैक्सीन लगा चुके लोगों से भी ले रहे हैं फीडबैक। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के जन्मदिन के अवसर पर साजा नगर पंचायत सभापति प्रतिनिधि प्रकाश सिन्हा ने नगर पंचायत क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्करों को बांटा भाप मशीन। बीएसपी कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर हो रही देरी के लिए सीटू द्वारा दल्ली राजरा में प्रदर्शन कर प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया गया है। चिखलाकसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्यादा व्यवस्थित बनाने सांसद प्रतिनिधि विक्रम ध्रुवे लगातार प्रयासरत हैं। उनकी टीम द्वारा डॉक्टरों को व अस्पताल के स्टाफों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग मशीन, ग्लव्स आदि प्रदान किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डॉक्टर सिंघा व डॉक्टर चुनारकर के कार्यशैली से लोगों का विश्वास चिखलाकसा अस्पताल में बढ़ा है और अब अधिक लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इस अस्पताल को बड़ा करने और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना ही अब उनकी टीम का प्रमुख उद्देश्य है। सेंट्रल न्यूज इंडिया के कैमरामैन सब्बीर कुरैशी को गोलू उर्फ गिरवर ने गाली गलौज कर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। धारा 294-506 के तहत विवेचना कर मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश व दल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज।